आप सभी को मेरा यानी जाकिर मलिक भलेसी का सलाम आदाब। दोस्तों मैं ऐसे ही बाहर आ गया था, आज छुट्टी है और मैंने सोचा कि आपको कुछ आज दिखा दूं। बहुत ही खूबसूरत इमारत मैं आज आपको दिखा दूंगा, हालांकि अभी वो शुरू नहीं हुई है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तामीरात के आखिरी मराहिल में है और उसका नाम है APJ अब्दुल कलाम सेंट्रल लाइब्रेरी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी। अभी जो हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है वो हमारे कैंपस के बिल्कुल बीचों बीच चल रही है, लेकिन आने वाले वक्त में इसको वहाँ से शिफ्ट करके अपनी इमारत में मुंतकिल किया जाना है। अभी ये इमारत जो है वो तामीर हो रही है, बहुत जल्द तामीर हो जाएगी और आप देखेंगे कि राजौरी और पुंछ की सबसे खूबसूरत इमारतों में से ये इमारत एक है। बहुत दिल खुश हो जाएगा आपको जब आप वो इमारत देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत इमारत बनाई गई है और बहुत जल्द जो है इस पे काम ख़त्म होगा। ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर अकबर मसूद साहब बहुत तेज़ी के साथ कोशिशें कर रहे हैं कि इस इमारत को जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाए और इसकी शुरुआत की जाए बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में, और इससे लोग मुस्तफ़ीद हो जाएँ, बच्चे मुस्तफ़ीद हो जाएँ और तमाम जो राजौरी पुंछ के लोग हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो जाएँ। ये लाइब्रेरी अपने आप में एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी, बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी है। आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। तो आइए चलते हैं आज बाबा गुलाम शाह बादशाह की सेंट्रल लाइब्रेरी जो ज़ेर तामीर है और अब थोड़े ही वक्त के बाद इसका काम मुकम्मल हो जाएगा और तो बग़ैर किसी ताखीर के आइए चलते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी। आइए चलते हैं, इस बोर्ड के बाद आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। ये है सामने जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, ये उसका पीछे वाले साइड का नज़ारा है। हम आपको अगली वाली साइड दिखा लेंगे कि ये जो बिल्डिंग है ये कितनी खूबसूरत बिल्डिंग लगती है और अभी इस पे काम चल रहा है, जो ही काम ख़त्म हो जाएगा तो ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग आपको दिखाई देगी और पूरे इस रीजन की, पुंछ और राजौरी की ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। अभी अभी फ़िलहाल जो है इसके आसपास बहुत सारी झाड़ियां हैं और अभी बहुत सारा काम इस पे करना बाकी है, लेकिन ये है कि आने वाले वक़्त में ये बहुत ही खूबसूरत एक चीज़ बनने वाली है, बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी बनने वाली है। मैं आपको इसका सामने वाला व्यू भी दिखा लूँगा। ये देखिए, अभी फ़िलहाल जो है इसका लान भी तैयार नहीं हुआ है, लेकिन लाइब्रेरी जो है वो तैयार आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। आप देख रहे होंगे कितना खूबसूरत नज़ारा है। मैं ज़रा नीचे उतरता हूँ, नीचे उतर के आपको दिखाता हूँ। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पे बहुत ही खूबसूरत शीशे लगे हुए हैं, शीशों का गेट है। यहाँ पे आइए ज़रा, इधर दिखा देता हूँ मैं। ये जो सामने है ना, ये वाला, ये बायोसाइंसेस का ब्लॉक है जो ये सामने दिख रहा है आपको। ये बायोसाइंसेस का ब्लॉक है और ये इसमें बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज जो हैं वो यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। और मैं आपको बता दूँ, इसके बिल्कुल सामने है ये है लाइब्रेरी। अगर यहाँ से आप दिखा देंगे तो यहाँ से जो ये है, ये लाइब्रेरी का आप व्यू देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत व्यू है। और इसके साथ में इस तरफ जो है ये मैथमेटिकल ब्लॉक बन रहा है। अभी ये दोनों बिल्डिंगें जो है वो इनकम्प्लीट हैं और आप देख रहे होंगे कितना खूबसूरत जो है इसका व्यू आ रहा है यहाँ से। अभी हम थोड़ा सा अंदर देखते हैं और अंदर तो वैसे अभी कुछ नहीं है, इसको अभी तो काम इस पे हो ही रहा है, फिर भी देखते हैं ज़रा। आइए आइए, ये इसका एंट्रेंस है, ये इसका एंट्रेंस है और जब ये बन जाएगी मैं आपको उस दिन भी दिखा दूंगा जिस दिन ये लाइब्रेरी बनेगी,
जिस दिन ये लाइब्रेरी बनेगी मैं आपको उस दिन भी जो है इस लाइब्रेरी में ज़रूर लाऊंगा, आपको दिखा दूंगा। देखिए कितना बड़ा, ज़रा ऊपर दिखा दीजिए ज़रा, ये 1, 2, 3 इसके 3 फ्लोर हैं और बाज़ाब्ता जो है लिफ्ट लगनी है यहाँ पे, 2 लिफ्टें लगनी है, 1 लिफ्ट यहाँ पे लगनी है, 1 लिफ्ट यहाँ पे लगनी है। देख दिखा लीजिए, देखिए अभी ये लिफ्ट नहीं लगी है लेकिन ये लिफ्ट लगेगी, ये लिफ्ट अभी लगनी है। उसके अलावा ये कमरे शमरे हैं ये अभी बने हैं, अभी पूरे तरीके से तैयार नहीं हुए हैं, जब तैयार हो जाएंगे मैं आपको दिखा दूंगा। अभी ये बंद है, अब मैं देखता हूँ इस तरफ क्या है। अभी ऊपर जाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, वो जब ये बिल्कुल शुरू हो जाएगी बिल्डिंग तो मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगा। अभी सारे कमरे ये बंद नज़र आ रहे हैं मुझे, हाँ अभी तो ये बंद है, हो सकता है इनमें कोई सामान वामान रखा हो, सकता है इनमें सामान वगैरह रखा हो, अभी तो ये बंद है। इस तरीके की जो रेलिंग है वो यहाँ लग रही है और सीढ़ियाँ बनाई गई, अभी ऊपर नहीं जाएंगे हम अभी, क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है और अभी फ़िलहाल अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब ये बिल्डिंग जो है पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी मैं आपको इस बिल्डिंग में ले आऊँगा और इस बिल्डिंग के एक एक कमरा जो है वो आपको दिखा दूँगा और ये भी बता दूँगा कि किस कमरे में कौन सी किताबें रखी जा रही हैं, कौन से जर्नल रखे जा रहे हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं यहाँ मौजूद हैं। लाइब्रेरी के मतलब मैं आपको पूरी जानकारी ज़रूर दे दूँगा। फ़िलहाल हम, मुझे लगता है कि ये देखिए बाहर का, अगर यहाँ से हम देखेंगे बाहर की तरफ तो कितना खूबसूरत जो है वो नज़र आता है, बाहर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आता है। और ये बहुत ही बड़ा शीशे का गेट लगना है यहाँ यहाँ पे, ये बहुत बहुत बड़ा एरिया है ये वाला, अगर ऐसे आप देख लेंगे ये बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत एरिया है। और इसका ऊपर से अगर देखेंगे ये डोम है जो जो है अभी और बेहतर होना है, अभी इस पर काम होना है डोम के ऊपर ना, इस डोम के ऊपर अभी और काम होना है और जब काम मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद जो है ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मुझे लगता है कि हमें अब जो है यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है और इस दौरान जो है यहाँ पे रहना अच्छा भी नहीं है। अभी देखिए ये लान जो है ना, लान मैनेजमेंट का काम भी इसमें होना है, ये लान तैयार होंगे पूरे, यहाँ पर एक दीवार लगेगी, वहाँ पर एक दीवार लगेगी, आहिस्ता आहिस्ता ये लान जो है ये बन रहे हैं। तो जो ही ये लान कम्प्लीट हो जाएंगे, बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपको ये बिल्डिंग इस रीजन की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग नज़र आएगी, सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है। और जो है आपको, आपका दिल जो है खुश हो जाएगा जब आप इस बिल्डिंग में आएंगे। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी इसी में शिफ्ट होगी और ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर अकबर मसूद साहब जो हैं इस पर काम तेज़ी के साथ करा रहे हैं। और जितनी इमारतें बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में ज़ैर तामीर हैं उन इमारतों पे तेज़ी से काम कराया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये इमारतें कंप्लीट हो जाएंगी और इन इमारतों में जिनके लिए ये बनाई गई है वो कामकाज जो है शुरू कर दिया जाएगा। पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो मुबारकबादी के मुस्तहिक है कि इस तरीके की इमारतें यूनिवर्सिटी के अंदर तैयार हो गई हैं, जो बहुत ही बेहतरीन इमारतें मानी जाती हैं। और मुझे लगता है कि इस रीजन की बहुत खूबसूरत इमारतें भी हैं। और जो बाहर के लोग हैं जो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी नहीं आए हैं अभी तक, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो यूनिवर्सिटी एक बार ज़रूर आए। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी न सिर्फ एक खूबसूरत यूनिवर्सिटी है जिसका खादोखाल खूबसूरत है, एक एनवायरमेंटल लिहाज से बहुत खूबसूरत मकाम है, बल्कि आप जब यहाँ की आबोहवा देखेंगे, यहाँ का पानी देखेंगे वो भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत हल्का है, बहुत सॉफ्ट वाटर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर अकबर मसूद साहब, उन्होंने यहाँ के जितने पानी के सोर्सेज हैं उनकी टेस्टिंग बारिशों के दौरान भी करवाई और जब बारिशें नहीं हुई तब भी कराई, और दोनों सूरतों में उनका कंसर्न है ये कि हमारे जो यहाँ का स्टाफ है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनका कंसर्न देखिए कि उन्होंने टेस्टिंग 2 बार जो है पूरे जितनी बावली है हमारे, जितने हमारे नाले हैं जहाँ से हम पानी निकालते हैं उसकी बाद अब तक टेस्टिंग होती है। और यहाँ का वाटर जो बहुत सॉफ्ट वाटर है, सेहत के लिए बहुत अच्छा वाटर है। इसके अलावा हमारा जंगल का इलाका है, देखने के लायक है,
अकबर मसूर व्यू पॉइंट से पूरी यूनिवर्सिटी नज़र आती है। तो जब भी आपको कोई छुट्टी हो, जब भी आपको कोई हॉलीडे हो, और संडे के दिन जो है ज़रूर आप बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में आया करें। हमारे दरवाजे आप सब के लिए खुले हैं, आप आएँ हमारे पास, हम आपके साथ पूरा कोऑपरेट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो मेरी उम्मीद रहेगी कि आप आएंगे, खुद ही देख लेंगे, लेकिन मैं भी आपको बीच बीच में कुछ ना कुछ दिखाता रहूँगा। फिर किसी वक्त आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।